विकास दिव्य कीर्ति, यह नाम आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में है। कभी यह ब्राह्मणों पर बयान देकर फंस जाते हैं तो कभी हिंदू धर्म पर बयान देकर फंस जाते हैं, कभी आरक्षण पर बयान देकर फंस जाते हैं और हाल ही में माँ सीता के ऊपर बयान देकर ऑलरेडी बयान देकर फंस चुके हैं। दोस्तों, विकास दिव्य कीर्ति का यह कहना है कि पिछले 3000 सालों तक ब्राह्मणों ने दलित और पिछले वर्ग के लोगों का शोषण किया और 100% आरक्षण खुद के पास रखा और जितने भी दलित और नीची जाति के लोग थे उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया और ना ही उन्हें कुछ बनने का मौका दिया। ये बताओ, 3000 साल तक पढ़ाई लिखाई पर केवल ब्राह्मणों का हक था, 100% आरक्षण था, 3000 साल तक 100% आरक्षण, सारी पढ़ाई लिखाई, ब्राह्मणों की संख्या कितनी? 10%। 10% समुदाय ने 100% सीटें घेरी 3000 साल तक और अब 70 साल से परेशान हो गए हैं। इस पर तो कभी नहीं बोला किसी ने। जातिवाद का उदाहरण देकर विकास दिव्य कीर्ति की जबान अक्सर हिंदू धर्म को टारगेट करने पर आ जाती है, लेकिन विकास दिव्य कीर्ति के जितने भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक बात बता दूं कि महापद्मनानंद, जिन्होंने प्राचीन भारत में नंद वंश की शुरुआत की थी, वह भी जाति से ब्राह्मण नहीं थे बल्कि शूद्र यानी नीच जाति से थे, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष पर 50 सालों तक राज किया था। इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, वह खुद एक नीची जाति से थे। अगर आप इस रिपोर्ट को गौर से देखें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र अथवा कुलीन वर्ग से आते थे और इनको एक ब्राह्मण चाणक्य ने पूरे भारतवर्ष का सबसे महान राजा बनाया था और पूरे 140 सालों तक मौर्य वंश का राज था, ना कि ब्राह्मणों का राज था। इसके बाद गुप्त वंश का भारत में उदय हुआ, जो कि एक वैश्य यानी नीची जाति से आते थे, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष पर 300 सालों तक राज किया था। तो कुल मिलाकर 500 सालों तक प्राचीन भारत में शासन उन्हीं का रहा था, जिन्हें आज दलित व पिछड़ा कहते हैं। तो शोषण हुआ कहाँ? यहाँ पर शोषण की कोई बात नहीं थी, लेकिन विकास दिव्य कीर्ति जैसे टीचर झूठ बोलकर बच्चों के दिमाग में ब्राह्मण विरोधी जहर भर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब शुरू होता है मध्यकालीन भारत का समय, जो कि सन 1100 से लेकर 1750 तक रहा था। इस दौरान अधिकतर समय पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का समय रहा था और अधिकतर जगह पर इनका शासन भी रहा था। अंत में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ तो छत्रपति शिवाजी महाराज राजा बने और उनके पेशवा जो कि एक ब्राह्मण थे, उन्होंने गाय चराने वाले गायकवाड़ को गुजरात का राजा बनाया था। चरवाहा जाति के होलकर जी को मालवा का राजा बनाया और अहिल्याबाई होलकर को तो आप कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने कई सारे मंदिर बनवाए, गुरुकुल बनवाए, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो फिर क्यों कहते हो कि जातिवाद था? तो भैया, विकास दिव्य कीर्ति के फॉलोअर्स इसका आंसर जरूर देंगे। मुगल शासन काल में देश की गंदगी शुरू हुई और यहाँ से पर्दा प्रथा, गुलाम प्रथा और बाल विवाह जैसी चीजें शुरू हुई। इसके बाद सन 1800 से लेकर 1947 तक भारत में अंग्रेजों का शासन रहा और यहीं से जातिवाद शुरू हुआ और जो उन्होंने फूट डालो राजगुरु की नीति के तहत अपनाया था, वही काम आज विकास दिव्य कीर्ति भी कर रहे हैं। विकास दिव्य कीर्ति बोलते हैं कि मैंने ट्विटर से ज्यादा किताबों में अध्ययन किया है, इसीलिए मैं किताबों की बात मानता हूँ। तो चलिए एक किताब मैं आपको बता ही देता हूँ, अंग्रेजी अधिकारी निकोलस डार्क की किताब कास्ट ऑफ माइंड है। इस किताब को यूपीएससी वाले बच्चे जाकर जरूर पढ़ लें, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अंग्रेजों ने कैसे अपने फायदे के लिए भारत में जातिवाद और छुआछूत जैसी चीजों को बढ़ाया था। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेजों ने भारत में जाति व्यवस्था को 3000 भागों में बांट दिया था और बाद में इसका राजनीतिकरण भी कर दिया था, जिसकी वजह से छुआछूत और जातिवाद भारत में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जो कि आज तक जारी है। अब विकास दिव्य कीर्ति के कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कमेंट बॉक्स में आकर गाली देंगे, मैं उन लोगों को सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आपको जितनी गाली देनी है आप दो, जो फैक्ट मैंने आज की इस वीडियो में बताए हैं उसको नकार के बता देना, और अगर आपके अंदर दम है तो इन फैक्ट्स को एक बार क्लासरूम में विकास दिव्य कीर्ति के सामने पूछकर बता देना। बाकी जिनको बात समझ में आ गई है उनके लिए राम राम, मिलते हैं अगली वीडियो में।